अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। क्रिप्टो लेना है बट डोंट नो हाउ टू बाय इट? इट्स सिंपल विद रजिस्टर ऑन torrentexchange.org एंड कंप्लीट द केवाईसी यू कैन गेट 5000 शिबा कॉइन। रेफर योर फ्रेंड्स एंड गेट 10000 शिबा कॉइन। torrentexchange.org इंडियाज बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। TorrentX है तो सेफ है। टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा कांग्रेस सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज मैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आइए मैं जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि 2022 चुनाव को लेकर के महंगाई मुद्दा को लेकर के और बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ की पब्लिक क्या मूड बना रखी है। 2022 चुनाव है, इसको लेकर के पब्लिक क्या कर रही है और कहाँ तक और चाह रही है और सरकार क्या कर रही है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ में हैं भाई, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा जी। पवन जी, आने वाले 2022 चुनाव है, महंगाई मुद्दा इस तरीके का है, क्या कहना है? सपा सरकार बनेगी जी, सपा की सरकार चाहते हैं। सपा की सरकार, महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी बहुत परेशान है। अब सरकार से कुछ कह नहीं, ताना चाहिए कि सरकार है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। ज़्यादा बोलने वाला ही आदमी की रिलाई हो जाती है सरकार में जी। 2022 चुनाव है जी भैया, क्या लग रहा है आपको? जी भैया, महंगाई दिक्कत है सबको, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल हाँ, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, आम आदमी के लिए दिक्कत है। अच्छा हाँ, तो जिस तरीके आप देख रहे हैं कि महंगाई मुद्दा भी यहाँ इस विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, और हमारे साथ में भी और कुछ लोग हैं, आइए हम जानते हैं इनसे भी कि क्या रहेगा इनका मुद्दा रहेगा। नौजवान है भाई, 2022 चुनाव है, चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है आपकी, क्या है? तैयारी क्या है, सरकार चेंज होना चाहिए, महंगाई काफ़ी है, डीजल पेट्रोल, किसान को डीआई खाद नहीं मिल रही है, काफ़ी हो सकता है गांव में, रोड खराब है, कहते हैं सरकार कहती है गड्ढा मुक्त है, गड्ढा भी है, ऐसे ऐसे काफ़ी मुद्दा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसे काफ़ी काम है। तो फिर आइए हम देखते हैं चाचा, 2022 चुनाव है, इसको लेकर के पब्लिक रिव्यू क्या लग रहा है आपका, आपका मूड क्या है? जो आम जनता के लिए काम करे, सबके हित के लिए काम करे, उसी को चाहिए को वोट देना चाहिए, और तो महंगाई तो हाई है। 2022 चुनाव क्या लगता है आपको, आपकी बार? आपकी जब बार जो है मिली जुली सरकार रहेगी तो देखिए, कुल मिला करके अगर बात की जाए तो हर जगह सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई मुद्दा सबसे ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप जिस तरीके देख रहे हैं कि महंगाई मुद्दा इस विधानसभा में भी गूंज रहा है। हमारे साथ में कुछ माताएं हैं, आप इनसे जानते हैं कि महंगाई को लेकर के क्या मांग है आप? कुछ भी हो, योगी से बढ़िया सरकार कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, 2022 चुनाव है, क्या लगता है आपको? योगी आना चाहिए। कि महंगाई कहीं ऐसा तो नहीं डिस्टर्ब करेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगी, योगी बढ़िया है जी। जी माता जी, 2022 चुनाव है, योगी जी। जी माता जी, 2022 चुनाव है, योगी योगी। तो बिल्कुल कुल मिला करके अगर बात की जाए तो मिली जुली प्रक्रिया जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ में नौजुवक भी हैं, और किस मुद्दे को लेकर के अपना 2022 चुनाव करेंगे इनसे हम जानते हैं। जी आपका क्या नाम है? देखिए, हम मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल, जो भी है तो इसलिए हम लोग उन्हीं को सोचते हैं कि आने वाले समय में वही आए, हम लोगों की तरफ से वही है। अब आगे देखिए क्या होता है, कुछ
कुछ कहा नहीं जा सकता। महंगाई कहीं ऐसा ना हो? महंगाई तो फिलहाल दौर के हिसाब से कुछ कह नहीं सकते इस पे, ऐसा नहीं है इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, जो भी होंगे जो भी करेंगे सही ही करेंगे। मैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में खड़ा हूँ और आइए हम जानते हैं कि जनता का मूड क्या है 2022 चुनाव को लेकर के, देखते कुछ हमारे साथ जनता है बैठी हुई है, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या 2022 चुनाव है उसको लेकर के क्या मूड है आपका। बीजेपी सरकार योगी जी फर्स्ट, जिस तरीके महंगाई चरम पे जा रही है क्या कहना है उसको? महंगाई तो जो जा रही है वो तो जा ही रही है, लेकिन फिर भी योगी सरकार। क्या क्या लगता है कि 2022 चुनाव जो है वो किसके पाले में जाएगा? लगभग बीजेपी के ही खाते में जाएगा। बीजेपी के खाते में महंगाई को लेकर के क्या कहना है? महंगाई तो है लेकिन महंगाई से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, विकास के नाम पे बीजेपी ही जीतेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके अगर कुल मिला के बात की जाए तो बीजेपी सरकार की एक बार फिर जनता मांग कर रही है, और हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि 2022 चुनाव है उसको लेकर के कितनी तैयारी कर ली है पब्लिक। पब्लिक की तैयारी क्या है, 2022 बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, महंगाई को लेकर के क्या करना? अरे सब कुछ तो फ्री में दे रहे हैं तो महंगाई तो जाहिर सी बातें बढ़ जाएगी। राशन फ्री चाहिए आपको, वैक्सीन फ्री चाहिए, अभी पीछे सिलेंडर भी फ्री मिला था। अच्छा, तो सारी चीज़ें फ्री सरकार लाएगी तो पैसा कहाँ से लेके आएगी? अच्छा, तो महंगाई जाहिर सी बातें बढ़ेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके अगर देख रहे हैं तो महंगाई जो है वो अगर बढ़ी है तो पब्लिक का नुकसान भी नहीं है, तो इसको ले करके पब्लिक कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर आएगी अब की बार। तो एक बार फिर देखते हैं, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, कि 2022 चुनाव है ठीक है, और महंगाई इस तरीके है, भ्रष्टाचार की क्या भूल क्या है, इस पर क्या कहना है? महंगाई तो है लेकिन महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार जहाँ की बात है तो भ्रष्टाचार में तो बहुत कमी आई है, और अभी एक 5 वर्ष इस सरकार की आवश्यकता है इस प्रदेश में, और विशेष तौर पर हम लोग अयोध्या के हैं तो फिर बीजेपी तो हम लोग के लिए बेस्ट है। बिल्कुल सबके लिए काम कर रही है सरकार, राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना काम करेंगी वो बात अलग है, लेकिन अगर जहां सामान्य जनहित की बात की जा रही है तो लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो जिस सड़क से आप आए होंगे, शायद ये सड़क आज के 6 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट जब सेंट्रल में आई है तो इस सड़क पर आप विश्वास मान के चलिए कि यहाँ पे हर 10 फीट के आसपास, 10 फीट निकलते आप तो 4 फीट का गड्ढा मिल जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ से अयोध्या की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की हो गई है, 30 मिनट में। क्या लगता है आपको कि आने वाला 2022 चुनाव फिर एक बार बीजेपी के पास? बिल्कुल एकदम बीजेपी आएगी। तो बिल्कुल जिस तरीके अगर देखा जा रहा है तो ये महंगाई को लेकर के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पब्लिक यही कह रही है कि बीजेपी सरकार एक बार फिर आएगी। तो हमारे साथ में हैं दुकानदार भाई हैं जो कि इनसे हम जानेंगे कि महंगाई को लेकर के क्या बोलते हैं ये। जी, जिस तरीके आप दुकान चला रहे हैं अपनी और यहाँ पे महंगाई इस तरीके है तो क्या दिक्कत झेलनी पड़ रही है महंगाई को लेकर? कौन दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती भाई, महंगा मिले महंगा सामान बेचेंगे। तो क्या खुश हैं आप महंगाई से? खुश है जो ना सर है? तो बिल्कुल जिस तरीके आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो कितना भी बढ़ी है लेकिन आज हम 2022 में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इस संबंध में हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पिछली सरकारों ने वर्तमान सरकारों ने कितने जो है वादे किए, कितने वादे निभाए हैं। इसी संदर्भ में हम अपने साथ एक बुजुर्ग को जोड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार महंगाई जैसे मुद्दे, किसानों के लिए बनाए गए काले कानून वापस करने के पीछे क्या मंशा थी सरकार की, और आगे आने वाले समय में सरकार किसानों के लिए क्या करेगी, आइए हम बात करें। सरकार ने क्या किया अभी तक ये बताएं। उनके लिए सरकार कुछ नहीं किया, सरकार केवल अपना कार्य कर रही है। सरकार हम लोगों के लिए आज के 10 साल 20 साल पहले भी कहा था
10 साल हो गए वन रैंक वन पेंशन के विषय में, आज तक उसको लागू नहीं किया। और 10 साल के लिए ये रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं, इन्होंने कहा था हम रिवीजन करेंगे हर 10 साल में, 10 साल हो चुके, आज तक कोई रिवीजन नहीं। कमीशन के बाद 10 साल का समय होता है, 10 साल में रिवीजन करेंगे और पेमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ दिया नहीं और काट ऊपर से लिया। चुनाव के पहले जो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन वितरण हो रहा है उसके बारे में क्या? उसके बारे में ऐसा है कि जो हो रहा है वो राशन वालों को राशन वाले जाने, ना हमको मिलता है राशन, ना हम उसके विषय में बता सकते हैं। गरीब को कम मिलता है, किसको मिलता है, क्या मिलता है, हम उसके विषय में उनकी मंशा तो हमारी समझ में अच्छे ढंग से नहीं आ रही। यही पहले कहते थे कि ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग पाते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, आरामजीवी हैं किसान। आज उनके आंदोलन से क्यों उब करके इन लोगों ने अपना 3 कानून वापस किया, ये हमारी समझ में नहीं आता। किस लिए कर लिया गया? जिस किसान को तमाम किसानों ने अपना जान गंवा दिया आंदोलन में, और उनके विषय में कुछ नहीं सोचा और सोच ये वापस कर लिया 3 कानून। इसके बाद क्या लगता है कि पुरानी सरकारों में और वर्तमान सरकारों में अंतर क्या रहा? पुरानी सरकारें जितना कहा है उतना करके दिखाया है, और अब की सरकार जो है ये कर नहीं पा रही है, गरीबी नहीं दूर कर पा रही, नौकरियां नहीं दे रही, रोजगार समाप्त किए गए, नोटबंदी की गई, तमाम प्रकार की अड़चनें डाल करके इस सरकार ने जनता को धोखा दिया। बेटी बचाओ का नारा दिया, और बेटी वो भी किसी की ही, जो हमारे प्रधानमंत्री की पत्नी है वो भी बेचारी, वो भी तो किसी की बेटी है। धन्यवाद बाबू जी। सबसे पहले तो आपसे नमस्कार, और नमस्कार के साथ में हम आपका एक नाम जानना चाहेंगे, आप अभी तक क्या करते रहे, और हम आपसे जानेंगे कि वर्तमान सरकार और पुरानी सरकारों में क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं उनके बारे में आप बताएंगे। विकास तो जो सर हुआ सिर्फ पेपरबाजी हुआ और एक नौटंकी हुई सर, विकास तो हमें नहीं कोई दिखाई दिया। जो पुरानी सरकारें थी उनका विकास दिखाई दिया, बाकी इस सरकार में महंगाई बढ़ी, तेल पेट्रोल खाद किसानों को दुगुना क्या तिगुना कर दिया। तीसरा ये है कि हमारे लाइसेंस थे, उन लाइसेंसों में 100-100 रुपये पड़ता था, इस सरकार में 3,000 पड़ता है। दूसरा हम भूतपूर्व सैनिक हैं, 3,00,000 रुपये में हमारा कमीशन काट लेते थे, 1x1 हुआ उसमें भी नहीं कुछ दिया गया। तो सरकार सिर्फ बातचीत करती है, काम नहीं करती। तो आपने बताया कि आप एक भूतपूर्व सैनिक थे सर, सरकार ने आपको जो सुविधाएं देने की बात कह रही थी वो सुविधाएं नहीं मिली, तो इस समय इस महंगाई के दौर में जैसे आपने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों में दाम बढ़े हैं, तो आखिरकार पेट्रोलियम पदार्थों में दाम बढ़ने का कारण क्या रहा जो आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा? यही है, सरकारें घूमती हैं, नाजायज खर्च करती हैं। अब हम सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, जानने के साथ में यही बताइए आप हमें कि सरकार ने जो पहले साल में 3 किस्तें जो 2,000 रुपये तिमाही देने की जो बात कह रही थी, आज वो 4,000 रुपये यानी 12,000 रुपये साल में देने की बात कह रही है, तो इसमें आप किसानों का हित कहाँ तक देखते हैं? मेरा नाम उसे शिव सिंह यादव है, खजुआ में हूँ, और जो 6,000 और 4,000 2,000 की बात करते हैं, ये तो चुनाव आने की वजह से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इससे फ़ायदा नहीं, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, सुख सड़कें एक बनाए नहीं, 2,000 दे करके तो सरकार पहले छीनो, इसके बाद 1,000-2,000 चुनाव के समय फ़ायदा उठा लो, कोनो इसका मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एक बात और बताएं कि जैसे कि सरकार वर्तमान सरकार कह रही है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, और देखा जाता है कि जो गड्ढा मुक्त न होने का गड्ढा युक्त होने की जो बात कही जा रही है, आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके संबंध में आप क्या कहेंगे?
नहीं, फतेहपुर जिले में आप भी रहते हैं, आप सरकार के किंकर हैं, तो आप बताएं कि कौन सी सड़क ऐसी बनी है अच्छी है, कि कौन गड्ढा मुक्त है, कहाँ से वो नहीं है। चाहे बांदा सागर रोड ले लो, चाहे देहात के रोड ले लो, चाहे अपना घाटमपुर ले लो, चाहे भोगनीपुर ले लो, चाहे तो कोई भी, अगर फतेहपुर जिले में एक भी रोड अच्छा बता दिया जाए तो हम मान लें कि भाई सरकार ने काम किया। सरकार तो जुमला किया, झूठी दिया, फर्जी लोगों को ठगा है। एक भी काम अपने फतेहपुर जिले में ऐतिहासिक बता दे, ऐतिहासिक काम एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बता दे। हमारे जहानाबाद में मंत्री जी हैं, मंत्री बता दें कौन ऐतिहासिक काम किए। नहीं, अपने यहाँ जिले में तीन तीन मंत्री हैं, साध्वी निरंजनी ज्योति, उनका तो एक अस्पताल तो दिखाई दे रहा है 8 साल के अंदर। एक के बाद इन कौनों मंत्रियों, कौनों विधायक हमका एक काम बता दें कि नहीं, अब फतेहपुर जिले का एक विकास के लिए, जनता के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए कोई ऐसी चीज़ हुआ। आम जनता की राय, आम जनता की राय में हमने आपको दिखाया, हमारे साथ कुछ भूतपूर्व सैनिक, बिजनेसमैन, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, इन सभी से मैंने बात किया। सभी लोगों ने अपने अपने दर्द को बयां किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स आर्मी मैन ने, दो जो हमारे एक्स आर्मी मैन जो दो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका जो दर्द झलका, इसके बाद वर्तमान सरकार ने जो विकास कार्य कराए उसका भी, उसकी भी एक रूपरेखा सामने आई। तो आखिरकार कारण क्या है कि लोगों के अनुसार या जिनसे मैंने बात किया उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी है, अभी तक कोई कार्य जमीनी हकीकत पर नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, ये तो भविष्य ही तय करेगा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद आगामी उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, ये भविष्य ही निश्चित करेगा। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल इस समय चुनावी तैयारियों के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सभी दल इस समय जनता को चुनावी लुभावने वादे दे कर अपनी ओर आकर्षित करने के कवायद जारी कर रखे हैं। तो इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर हम यहाँ पर, हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में वो केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अच्छा, विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने बाकी हैं, तो चुनाव को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? हमारी यही राय है कि ईमानदार नेता और जो चल रही है सरकार बीजेपी की, यही हमें अच्छी लगती है। आप 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर की वोट करने वाले हैं, बताइए? मुद्दा हमें सब सही समझ में आ रहा है, इसलिए वोट करेंगे हम। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, वोट करेंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ राय है चुनाव को लेकर के। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, यही मुद्दे हैं, जो अयोध्या मंदिर है अच्छा लगा, 370 है ये हट गई, इस वजह से हम भी ये बोलते हैं। और किन मुद्दों को लेकर के आप अबकी बार वोट करने वाले हैं बीजेपी में? बीजेपी काम सही चल रही है भाई, जो माल राशन कार्ड है देख रहे, 1.5 साल से फ्री बांट रही है किसानों को, 2,000 रुपये दे रही है साल में, 6,000 किसी मुद्दे में लेकर। अगर यहाँ स्थानीय विधायक की बात करी जाए तो विधायक की कार्यशैली के बारे में आप क्या कुछ कहना है आपका? विधायक के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हमारे पास एक दूसरे साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी चुनाव को लेकर के क्या कुछ राय है। जब तक नेता मोदी और योगी की जोड़ी है तो भारत के अंदर कोई भी नेता नहीं आ सकता, ना कोई पार्टी आ सकती है। आपसे बता दें, रह गई विधायक की बात, तो यहाँ का विधायक तो बिल्कुल घटिया है। यहाँ तक आज तक हमीरपुर जिले में या अंगोटा के अंदर कोई विकास ही नहीं किया है। इस बार जो प्रत्याशी खड़ा होगा और जो काम करेगा और काम करके दिखाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो आपकी बार आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले? मुद्दों को लेकर के तो ऐसा, देखो किसान के लिए है तो मोदी अच्छा काम कर रहा है। देखो पानी आने का जो व्यवस्था किया है उन्होंने, उद्घाटन करके गए हैं बुंदेलखंड में, झांसी में, उनके काम ने
हर सब कुछ ठीक है हमारे हिसाब से। बात करी जाए अगर बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं की, तो अन्ना पशुओं को भी उन्होंने व्यवस्थित किया है। ये काम जो है तो गरीब और जो गांव के स्तर के अन्न पशु हैं, ये जो है तो लोग खुद गलत करते हैं। ये अपने अपने पशुओं को बांध ले तो अन्ना पशु है ही नहीं है कहीं भी। योगी जी ने गाँव गाँव में गौशालाएं बनाए सारी व्यवस्था की है, सारा घास सब कुछ देते हैं। वो आए दिन गौशालाओं से तस्वीरें आती हैं कि अन्ना गौवंश से बड़ी बुरी तरीके से मर रहा है। नहीं नहीं, हमारे इंगोटा के अंदर से नहीं आया है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप बता दीजिए इंगोटा के अंदर से कौन सा आपको बताया इसने कि गौवंश की हत्या हो रही है हमारे गौशाला के अंदर। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था। गड्ढा मुक्त भी हो रहे हैं, सारी सड़कें भी टूट रही हैं, फिर मुक्त किए जाएंगे। सड़कें टूटने की वजह क्या है? वजह यह है कि ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं, साले पैसे खा जाते हैं, उत्तम माल नहीं गलाते हैं ये लोग। और भी हमारे साथ माल गलाते हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या कुछ राय है चुनाव को लेके। क्या नाम है आपका? रघुनाथ कुशवाहा। अच्छा, विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने बाकी हैं, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? गरीबों को सुचारू रूप से सारी जितनी सेवाएं आती हैं सरकार की, योजनाएं सारी व्यवस्थित तरीके से मिल रही हैं। अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता था, इस वजह से फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी यूपी में ना केंद्र में। अच्छा, हाँ। तो अब की बार उत्तर प्रदेश का मुखिया आप किसको बनाना चाहते हैं? योगी को। अच्छा, और अगर यहाँ स्थानीय राजनीति की बात करी जाए तो आप विधायक किसे चुनना चाहेंगे? आप विधायक, ये जो वर्तमान विधायक है इसको छोड़कर कोई भी आएगा उसको चुन लेंगे। यहाँ मौजूदा में भाजपा के विधायक युवराज सिंह है, युवराज सिंह के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? युवराज सिंह ना कोई पब्लिक का काम करते हैं, ना कोई जनता की बात सुनते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, बस पैसा वाले लोग हैं वो, गरीबों की तरफ तो एक भी नज़र नहीं उठाते हैं। इस वजह से जनता उनसे इतनी रोष्ट है, यदि बाबा उनको टिकट दे दिया तो ये मान लेना कि उनको हारना जैसे था। हाँ, ये दर्द से रमेश के तो नहीं आ गया। और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी चुनाव को लेकर के क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका भैया? धर्मवीर सिंह नाम मेरा। अच्छा, चुनाव को लेकर के क्या कुछ है कहना है आपका? बस चुनाव का तो आपने देखा, भाइयों ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि गुंडा राज नहीं है, जातिवाद नहीं है, विकास अपने आप दिख रहा है। निसंदेह हम मतलब मुंह देखी व्यवहार नहीं, बीजेपी नंबर वन और बीजेपी को ही वोट जाएगा। यहाँ के सदर विधायक की कार्यशैली को लेकर के क्या कुछ कहना है? सदर विधायक हमारे यहाँ के बहुत सीधे साधे सज्जन हैं, पैसे वाले हैं, वो उतना अच्छा ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, जनता से जुड़े नहीं रहे। पहले MLC रहे, अब विधायक बन गए हैं और ये सपा से MLC रहे हैं, तो ये ज़्यादा जनता से जुड़े नहीं हैं और ना उनकी कार्यशैली भी जनता से है कि जाए जनता को मिले बैठे। कोई सीधा सीधा आदमी है, वो कोई बुलाता है अच्छा पहुंच जाते हैं, कोई पूछता है उससे बोलते हैं, अपने मन से नहीं है कि क्या है कोई चीज़ विकास के लिए अगर कह जाएंगे, पता नहीं सालों नहीं होता है। अधिकारी भी लोड नहीं लेते हैं। इस सरकार में सबसे बड़ी कमी मैंने एक ही चीज़ की देखी कि अधिकारी ज़्यादा निरंकुश हो गए, नेताओं की चलने नहीं पाई, क्योंकि नेता ही सब ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। भाई अपना लूटेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को लौटाएंगे, अपने गुंडों को लौटाएंगे। अब ये सरकार में ये हुआ है कि अधिकारी थोड़ा निरंकुश हुआ है। भ्रष्टाचार तो मान लीजिए एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी नहीं ख़त्म हो सकती, जब से दुनिया सृष्टि का रचना हुई है आज तक भ्रष्टाचार किसी ने बंद नहीं किया। लेकिन मोदी जी की जो ऑनलाइन कि ये आपके राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो गाँव तक जाते जाते 15 पैसे बचता है, 85 पैसे बीच में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने वहाँ 100 फेंका कि यहाँ किसान के खाता, किसान हो, मजदूर हो या कोई हो, 100% उसको पूरा मिल रहा है। उनकी आधार कार्ड की योजनाएँ, उनकी जितनी भी कार्यशैली हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व मोदी को नेता मान रहा है। और रही बात योगी मोदी की, तो उनका कोई बता ही ना कि वो कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ उनकी संपत्ति है। बाकी एक तो मंत्री बन जाता है भाई साहब, तो देख लीजिए अब मुख्य प्रॉपर्टी हो जा रही है, देख लीजिए गायत्री प्रजापति को आजीवन हो गई। तो इन सब चीज़ों को तो जनता देख रही है कि आजकल हर घर में शिक्षित है, हर घर में सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, हर व्यक्ति पढ़ रहा है, हर व्यक्ति जान, उसे बताने किसी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वतः वोट देता किसी कहने या किसी वलगलाने, अगर आज मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ
तो कोई सपा वाला, कोई बसपा वाला, कोई कांग्रेस वाला है, तो अगर उसका विचारधारा उससे मिल रही है तो उसी को वोट देगा, वो भले ही मेरा कितना अच्छा मित्र हो। तो अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? अरे मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं, मैंने क्या कहा, विकास बढ़िया हो रहे हैं, ईमानदारी बढ़ती जा रही है थोड़ा। हाँ मैं ये आपके माध्यम से ये सरकार तक खबर पहुँचाऊँगा कि जो अधिकारियों को बिल्कुल मेरा अंकुश कर दिए, कोई एक ऐसा सिस्टम लाए कि अधिकारी भी अंकुश में रहे। कल सुनिए भाई साहब, कल SDM साहब आए थे और उन्होंने यही चुनावी निर्वाचन वाला वोट वाला किए, इसके बाद गौशाला गए। कल उन्होंने देखा, प्रधान जी थे हमारे और उनके साथ में यूथ था, बहुत प्रसन्न हुए, उनका व्यक्तित्व हमें बहुत अच्छा लगा। SDM साहब का लोग कहते थे बहुत तेज है, प्रॉपर आई ऐसे किसी बात नहीं सुनते, लेकिन बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ के SDM साहब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। योगी और मोदी ने सबके साथ और सबके विकास की बात करी थी, तो क्या धरातल पर सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्या नहीं, क्या बताइए आप, 5 सालों में कहीं आपने बताइए दंगा हुआ, फसाद हुआ, क्या हुआ? सड़कें देख लीजिए, चौड़ीकरण, आप अर्जुन नहर पर योजना कितने तेजी से काम अभी, कर रहा है, हाईवे का काम अभी, महज कुछ ही महीनों पहले जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, इसमें तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें दंगे हुए थे, बवाल हुए थे। देखिए ये तो मोदी थोड़ा, योगी थोड़ा कर दिए दंगे, अब हम आपस में लड़ जाएं, यहाँ 10 लोग खड़े हैं, आपस में लड़ जाएं। हमारे साथ एक दूसरे साथी भी मौजूद है, जिला पंचायत हमारे साथ कोई एक दूसरे साथी भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? सत्ता प्रायोजित वो आंदोलन था, लोगों के दंगे थे। मैं पूरी बात करता हूँ, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तोमर, NH 34 पे आप खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पे, कानपुर टू सागर नेशनल हाईवे, ग्रामीण ओटा, जिला हमीरपुर। मैं गांव का एक छोटा सा आदमी हूं, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहां पे खड़े हैं, मेरे वरिष्ठ लोग खड़े हैं, सबके साथ सबकी बातों से सहमत होते हुए भी कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पे आपके अपने वक्तव्य हो सकते हैं, अपनी चीज़ें हो सकती हैं। सरकार देश 47 से आज़ाद हुआ, चीज़ें चलती रहीं, लोग श्रेय नहीं देना चाहते पुरानी सरकारों को, काम कब नहीं हुआ महत्वपूर्ण ये है। मोदी की आज जो लोकप्रियता है उससे कहीं ज़्यादा नेहरू की रही, इंदिरा की रही। सबका उत्थान होता है, सबका पतन होता है, जो चीज़ें नहीं बदलती वो चीज़ें हम और आप, भारत की आम जनता, हम आप अपने ही ढर्रे से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो पूरी तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करें, 5 साल का पर्व है, ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने खुले दिमाग से चीज़ों को सोचें, कौन बेहतर है, क्या बेहतर है, कैसा बेहतर है। कई लोग हैं यहाँ पे BJP के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारी सदर विधायक से नाराज़गी है। तो आपको इच्छित में से भी सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना है, वो BJP हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, सपा अथवा बसपा, नोटा भी हो सकता है, ननादैवम। सच्चाई यही है कि आज की भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी सर्वश्रेष्ठ होने का दावा नहीं करती, आदर्श होने का दावा नहीं करती। अपनी बुद्धिजीविता का परिचय दें, गांव आपका विकास कर रहा है, आपके कई तरह के ऐसे कार्य हैं जिन पे आप अपने आप को बेहतर पाते हैं। अगले वर्ष इस गांव में वर्षगांठ का आयोजन होने जा रहा है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके चंदे से उसके तहत अगले साल फरवरी माह में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए हम आपको साथ ही आमंत्रित भी करते हैं। तो मेरा अंतिम रूप से यही कहना है कि लोकतंत्र एक महापर्व है, 5 वर्ष का एक चुनाव है, आपको योगी पसंद है बहुत बढ़िया, मोदी पसंद है और भी बढ़िया, प्रियंका पसंद है और भी बढ़िया, धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ और भी कुछ है, मौजूद है यहाँ पर साथी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर के इनका क्या कुछ कह रहा है। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार। अच्छा, विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने बाकी है, चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है और अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? देखिए, चुनाव इस बार पूर्ण रूप से बेरोजगारी, बिजली और सड़क पे होना है। देखिए, ये लोग BJP के लोग क्या करते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कारण, इन्होंने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो ताली ठोंक रहे हैं, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव की देन है। अभी इन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी नहीं हो रही, BJP में इस बार जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इतनी गुंडागर्दी हुई कि महिलाओं की साड़ियाँ भी खींची गई। हमारे सुमेरपुर में यहाँ पर सिर्फ भाजपा के नेता
समाजवादी पार्टी के VDC को वोट नहीं डालने दे रहे थे, वो तो DIG साहब की मेहरबानी हुई आए। ये एक प्रायोजित गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी में है, कोई विकास नहीं है ना कोई विजन है। तो विकास का मिशन होना चाहिए भाई, विकास का आप भारत पाकिस्तान से इससे कोई मतलब नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम होता है, ये हमारा भारत है, भारत सभी संप्रदाय धर्म सभी लोगों का है, सबका है। लेकिन इस बार BJP पूर्ण रूप से साफ होगी, इनका एक कोई काम नहीं। 100 नंबर चल रही थी, 100 से 112 में क्या फायदा हुआ कोई बता सकता? ये अखिलेश यादव की देन है, और 108-102 ये अखिलेश यादव की। अस्पताल बनवाए योगी जी का एक काम हो कोई बता सकता है? मित्र तो बता सकता है, मुझे बताए कोई मित्र है योगी का एक काम बता दे हमको बताए। हाँ, मुझे हंसी आती है भाई साहब कभी कभी, ये मतलब तोड़ने की राजनीति होती है देश में और क्षेत्र में, और बात करते हैं जोड़ने की, सबका साथ सबका विकास, और खोजते क्या है उसमें? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब कहाँ से कैसा विभाजन करें? विभाजनकारी ही पार्टी है सच्चाई, अगर मतलब कुछ चीज़ों की बात करें। कितने लोग सहमत हैं आप लोग? हमारे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर के उनकी क्या कुछ राय है। हमारे साथ एक भैया मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? जी नफीस अली। चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है? इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं चुनाव को लेकर के, तो आपका क्या कुछ राय है आपकी चुनाव को लेकर के? इस सरकार में कोई जनता या स्टूडेंट सब लोग परेशान हाल हैं, बेरोजगारी से परेशान हाल हैं, किसान भाई हैं वो भी परेशान हाल हैं, खेतों में जानवर अभी भी घूम रहे हैं, गौशाला भी बनवाई गई फिर भी कोई नहीं ध्यान देता, सब कुछ चारा घास वगैरह सब कुछ आता है फिर भी प्रधान लोग या सचिव लोग सब मिलजुल कर अपना पेट भरते हैं, और यहाँ इतने बड़े बस स्टैंड में कोई नल की सुविधाएं नहीं हैं, और कई बार ना कोई शौचालय है, यात्री का परेशान रहते हैं, हम लोग भी यहाँ के दुकानदार, और सबसे ज़्यादा जो खुलना नहीं चाहिए लॉकडाउन के दौरान वो खुला, यानी ठेका जिसको दारू और शराब बोलते हैं, और शिक्षा का मंत्र जो स्कूल थे वो बंद रहे, जो बच्चों का भविष्य बनना था उसमें कोई कुछ नहीं हुआ, और इस बार मेरी तो यही चाह है, जनता से आग्रह है कि सपा सरकार लाए और बच्चों का भविष्य बनाए। तो अब की बार आप सपा को वोट करने वाले हैं? जी साहब, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है जी सपा को वोट करेंगे। और भी हमारे साथ में यहाँ कुछ साथी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में एक युवा साथी मौजूद है, इनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? करण यादव। अच्छा, चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? हम तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पे वोट करेंगे समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 37 कार्य किए हैं। BJP वालों ने बताओ उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे कार्य किए जिससे आम जनमानस को लाभ हुआ? BJP सरकार तो सबके साथ और सबके विकास के बात करती है, तो आखिर फिर क्या ऐसी बात है कि आप? अरे वो सब झूठ बोलती है BJP सरकार। BJP सरकार सिर्फ क्या करती है? BJP सरकार जब अपने विधायकों को लगाम नहीं दे पाती, हमारे यहाँ के जो सदर विधायक है अपने पूरे विधानसभा में कभी किसी गाँव में जाकर आम जनमानस से कभी ये पूछता नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो ये BJP सरकार करेगी क्या? BJP सरकार में अधिकारी लोग अपना काम सही ढंग से करते नहीं है, ऐसी सरकार से क्या लेना देना है? मौजूदा विधायक ने आखिर क्षेत्र में क्या कुछ विकास किए इसके बारे में कुछ बताएंगे? जीरो, कोई भी कभी आम जनमानस ने विधायक को देखा तक नहीं, चुनाव के बाद विधायक कभी किसी को नज़र नहीं आते। वो विधायक हमारे हमीरपुर विधानसभा के हैं, लेकिन वो बांदा में जाकर अपने निवास है वहाँ पर रहते हैं, यहाँ हमीरपुर की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना? सपा सरकार खाली एक जातवादी देखती है, और BJP सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। सपा के मुकाबले तो कोई रद्दी पार्टी ही नहीं है। और बताइए, ये एक सेकेंड, सपा जातिवाद करती है, लैपटॉप इनके घर पे होगा अखिलेश यादव जी का। इन्होंने बात सुनिए, इनके पास ये जो आज ये जो गल्ला चावल ये कह रहे हैं भाजपा फ्री दे रही है समाजवादी पार्टी ने। तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं, और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए Prime TV।
क्रिप्टो लेना है बट डोंट नो हाउ टू बाय इट इट्स सिंपल विद रजिस्टर ऑन torrentexchange.org एंड कंप्लीट द KYC यू कैन गेट 5000 शिबा कॉइन रेफर योर फ्रेंड्स एंड गेट 10000 शिबा कॉइन torrentexchange.org इंडियाज बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टोरेंट एक्स है तो सेफ है।